ओके सो हे गाइस बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में जो है गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस वीडियो जो हमारी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस अगर अभी तक आप सुनी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी गाइस आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, बाकी आपको सब कुछ इस स्टेप में समझ आएगा। एंड गाइस इसका जो मतलब आपको जो पार्ट्स है ना, जो भी मतलब मैं जो बताऊंगा कि आपको कैसे लगाना है, तो गाइस वो सब चीजें आप एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि गाइस आप कुछ भी पार्ट अगर स्किप करोगे ना गाइस तो आप लोग जो है मतलब एडिटिंग करते वक्त जो है मतलब आपका प्रोसेस जो है इधर उधर हो जाएगा एंड आप जो अच्छे से एडिट नहीं कर पाओगे। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोगों को जो आपको जो भी अपनी फोटो भी जिसका आप एडिट करने वाले उसको आपको सिंपली पिक्सआर्ट में ओपन करना। देन गाइस आपको जाना है ऐड फोटो में एंड आपको यहां पे गाइस दो तीन तरीके की लिंक मिल जाएगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। एंड कुछ की इस टाइप की होगी और कुछ अलग अलग भी होंगी, ठीक है। तो आप उनको जो सा बेस्ट लगा आप उसको ले लेना। तो मैंने इसको लिया है, तो गाइस आपको बताता हूं मैं आपको कैसे लेना है। आपको गाइस पहले तो कुछ स्टेप्स आपको जो पहले इसको अपने फेस के ऊपर ऐड करना, अगर ये अगर आपको लगे कि हाँ परफेक्ट है तो गाइस आप इसको ऐसे सेम टू सेम लगा लेना। बाकी गाइस अगर ना लगे तो आपको क्या करना है, आप लोगों को जाना है इरेजर टूल में। इरेजर टूल में जाने के बाद आपको जो नीचे का जितना ही पार्ट है सबको इरेज कर देना है, जो आपको पार्ट रखना है। जैसे गाइस मेरे को अभी ऊपर वाला पार्ट चाहिए बिल्कुल, ठीक है, और बाकी का मेरे को रिमूव करना है, तो मैं उसको रखूंगा, उनको रिमूव कर दूंगा। एंड इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे शेडो वाले ऑप्शन में जाएंगे, आपको यहाँ पे एक शेडो का ऑप्शन मिल जाएगा फिर पिक्सआर्ट में। अगर ऑप्शन नहीं होगा तो गाइस आप शेडो क्रिएट भी कर लेना, ठीक है। तो आपको जब शेडो ऑप्शन को आप ओपन कर दोगे तो गाइस आपको करना, आपको जिसकी ओपेसिटी है पहले ऊपर कर बढ़ा देनी है, एंड जिसके ब्लर वाला जो है उसको कम कर देना है। पोजीशन में जाकर आपको जो पोजीशन जो है आपको गाइस सेट कर लेना है, ठीक है, अपने हिसाब से। एंड पोजीशन सेट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सेम चीज है ना, मतलब गाइस आपको पीएनजी ले लेके आपको सेम चीज आपको अपने फेस पे ऐसे ही लाना है एंड आपको रिमूव करके एंड आपको शेडो ऐड करनी है, ठीक है। सब में आपको सेम यही चीज करनी है। तो मैं थोड़ा गाइस आपको ना फटाफट करके दिखाता हूँ, ताकि जो मतलब आपको ना अच्छे से एकदम समझ आए एंड आप लोग जो है मतलब आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको फटाफट करता हूँ, तो अभी मैं यहाँ पे इससे चलते हैं, यहाँ पे फटाफट करते हैं। तो गाइस आप जब आप पीएनजी वगैरह लगा लोगे तो आपको ऐड फोटो में जाके एक ब्लर का पीएनजी भी ऐड करना है इसमें, क्योंकि गाइस अभी जो यहाँ पे ब्लड भी तो निकलेगा ना, आपको यहाँ पे मतलब सब ब्लड भी तो लगाना है। तो उसके लिए आपको कैसे पीएनजी लेना है, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली ऐड करने के बाद जो आपको यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ से सब ब्लड निकलना चाहिए तो वहाँ पे आपको सिंपली जाकर लगा देना है इसको। एंड इसको लगा देने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको ऊपर से जो आपको इरेज कर देना है, ठीक है, अपने हिसाब से, कि मतलब आप देख लेना ज़्यादा इरेज ना हो और कम भी इरेज ना हो, ठीक है। एंड इसके बाद जो है आपको इसकी ना ब्लेंडिंग मोड भी चेंज करना है, ठीक है, ताकि रियल लगना चाहिए ना, तो उसके लिए ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। आपको अगर गाइस कई तरीके के ब्लेंडिंग मोड मिल जाएंगे, ठीक है, तो इसको हम एक एक करके चेक करेंगे। तो हम मेरे को लगता है मल्टीप्लाई ठीक होगा, बट एक बार हम ओवरले को भी देख लेते हैं। तो ओवरले इतना खास नहीं लग रहा, तो मल्टीप्लाई रखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई रख के आपको क्या करना है, सबको मतलब कि आपको जो है ना यहाँ पे तीन चार जगह पे लगा देना है, ठीक है। जैसे कि देखिए एक तो मैंने यहाँ पे लगा लिया, आपको आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे लगा देना है। एंड इसके बाद एक डुप्लीकेट करेंगे हम, इसका एक डुप्लीकेट करके हम जो है यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से, चीक्स के पास लगाएंगे इस वाली। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका एक डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। हम इसको मतलब तीन चार जगह लगाना, ज़्यादा भी नहीं कि यार मतलब हर जगह से ब्लड निकलेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको कम जगह लगाना, ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करना कि तीन से चार होना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा पाँच छः नहीं होना चाहिए, तो तीन चार बहुत है, ठीक है। तीन मैं यहाँ पे तीन है तो मैं एक चौथा भी लगा देता हूँ यहाँ पे नेक के पास, है ना, क्योंकि जब बाकी हर जगह से ब्लड निकल रहा था यहाँ से भी निकाल ही लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ से लेके हम इसको जो है हम यहाँ पे रोटेट करके यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी हमने इसको लगा दिया है। अब यहाँ पे गाइस देखिए आपको ये करना, अब यहाँ पे देखिए हमारी फोटो एकदम झकास लग रही है यहाँ पे, एकदम मस्त एकदम बढ़िया, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, इसको हम कर देंगे यहाँ पे डन। अब गाइस इतना जाने के बाद जो इसमें थोड़ा सा कलर करेक्शन करके इसको और भी मस्त बना देते हैं, तो अभी यहाँ पे इसको हम सेव करते हैं, ठीक है, सेव करते हैं। एंड यहाँ पे हम इसको लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में।
ठीक है। लाइट रूम में अपने जाने के बाद आपको अपनी फोटो में जो है मतलब आपको लाइट वाला ऑप्शन पर इसकी लाइटिंग एडजस्ट करनी है, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट हम बढ़ा देंगे, हाईलाइट जो है हम इसको कम कर देंगे, शेडो जो है हम इसको इंक्रीज कर देंगे, एंड गाइस जैसे कि यहाँ पे व्हाइट दिख रहा है आपको व्हाइट को हम बढ़ा देंगे, जो ब्लैक है गाइस इसको हम थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, एंड उसके बाद जाएंगे हम कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद हम इसकी वाइब्रेशन बढ़ाएंगे, टेम्परेचर जो है फोटो का हम इसको जितना चाहे उतना कम कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा भी नहीं करना है। फिर आपको कलर मिक्स में जाकर ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन माइनस करना है, ल्यूमिनस बढ़ा देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको रेड कलर लेना है, इसका ह्यू माइनस करना है, सैचुरेशन जो है इसको प्लस कर देना है। इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है डार्क ब्लू में, जैसे कि ब्लू कलर तो है नहीं फोटो में, तो हम इसको जो है सैचुरेशन माइनस कर देंगे, एंड कर देंगे डन। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम जाएंगे नीचे वाले टूल में, यहाँ पे हम फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करेंगे, फोटो में जो है विग्नेट वगैरह दिख रहा है आपको इसको डाल देना अपने फोटो के हिसाब से, आपको विग्नेट डाल देना है, इसके नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा ग्रे अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है, एंड इसके नीचे वाले टूल में जाकर आपको फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी, फोटो में नोटिफिकेशन डाल देना, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोटिफिकेशन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो कैसे आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आता है वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।